सो फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देता है, उसके साथ साथ फेसबुक फॉर डेवलपर्स एक प्लेटफॉर्म देता है फेसबुक, जिसके मदद से आप आपके बिजनेस के लिए, आपके वेबसाइट के लिए काफ़ी सारे टूल्स भी इस पे आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैसेंजर के लिए आप चैटबॉट लगा सकते हो, इसके बाद आप इंस्टाग्राम के लिए कुछ टूल्स देता है, बिजनेस टूल्स देता है, ठीक है। तो लीड जो जनरेट होगी वो CRM के थ्रू ये करना, तो आपका अगर CRM प्लेटफॉर्म है उसे फेसबुक के साथ इंटीग्रेट करना, या फिर अगर आप ब्लॉगर हो और आपका जो भी ब्लॉग आप नया पोस्ट करते हो, यू वांट दैट ब्लॉग टू पोस्ट ऑन फेसबुक, जैसे ही आप पब्लिश करोगे ऑन योर वेबसाइट, यहाँ पर फेसबुक पे भी पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा जो चीज़ है इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको ये फेसबुक फॉर डेवलपर्स इसने दिया है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, कुछ पहले से इसने दिए हैं प्रोडक्ट्स, जैसे यहाँ पर मैं प्रोडक्ट पे जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आपको दिखेगा इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कुछ टूल्स दिए हैं, आपको AR/VR के भी दिए हैं, बिजनेस टूल्स हैं, ऐप एड्स, ऐप इवेंट्स, एनालिटिक्स के टूल्स हैं जो आप आपके वेबसाइट के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट पे जैसे लॉग इन विथ फेसबुक होता है, बटन होता है, या फिर आपको पूरा एनालिटिक्स चाहिए जो लोग आए आपके फेसबुक पेज पे, कैंपेन से क्या चीज़ हुआ, उसका सारा एनालिटिक्स आपको चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा यूजिंग दिस फेसबुक फॉर डेवलपर्स। हम इसे आराम से सीखेंगे, हम भी ऐप्स बनाएंगे। तो फेसबुक फॉर डेवलपर्स पे आपको ऐप्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको डेवलपर वाला प्लेटफॉर्म सिखाता हूँ, दिखाता हूँ एक बार, और उसके बाद हम एक एक एप्लीकेशन इसके साथ कैसे इंटीग्रेट करें वो भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप जैसे ही यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हो, आपको फेसबुक बस लॉग इन करना है। फेसबुक लॉग इन करने के बाद डायरेक्टली अगर आप आते हो developers.facebook.com पे, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए पहले पूछ रहे हैं आप कौन हो, ठीक है, आपको क्या एग्जैक्टली आपका प्रोफेशन क्या है। अगर आप डेवलपर हो तो मतलब आपको सारे प्रोडक्ट्स देता है ये, लेकिन स्टिल फेसबुक वांट्स टू नो कि आप एग्जैक्टली आपका प्रोफेशन क्या है। तो पहले मैं यहाँ पर मार्केटर डाल चुका हूँ, इस बार हम अलग डाल के देखते हैं, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन का वीडियो है तो मैं एक ही बार आपको बता दूंगा कैसे करना है। मार्केटर कर सकते हो, एनालिस्ट कर सकते हो, स्टूडेंट कर सकते हो, फाउंडर कर सकते हो, प्रोडक्ट्स आपको सारे मिलेंगे, अदर भी कर सकते हो। तो मार्केटर मैंने किया, मैं एनालिस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद वेलकम टू फेसबुक फॉर डेवलपर्स, और वो बोल रहा है कि आप अभी हमारा सारा डॉक्यूमेंटेशन देख लो, उसके अंदर आपको पूरा गाइड मिल जाएगा, ये जो प्रोडक्ट्स है कैसे काम करता है, क्या होता है, क्यों लगता है, वो सब मिलेगा आपको। या फिर क्रिएट फर्स्ट ऐप, पहले डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं फिर यहाँ पर आ ही सकते हैं हम, ठीक है। क्रिएट फर्स्ट ऐप आप जैसे ही क्लिक करोगे, नाम पूछेगा ऐप का, एंड देन आपको जाना पड़ेगा उसके डेवलपमेंट वाले प्लेटफॉर्म पे, एंड वहाँ पर प्रोडक्ट चूज करके फिर ऐप डेवलपमेंट, वहाँ हम देखेंगे, पहले डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद ये देखो सारे टूल्स के बारे में उसने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, आपको जो भी यूज़ करना है यहाँ पर क्लिक करो, वो आपको बता देगा, ये क्लिक करो बता देगा, ठीक है। ये देखो, ओके। तो आप उसको सारा वो आपको सारी डिटेल्स दे रहा है कैसे करना है, ठीक है। अब जाते हैं ऐप्स वाले प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पर ऐप्स हैं, आपने अभी तक कोई ऐप बनाया नहीं है, करेक्ट। तो पहला ऐप बनाते हैं, क्रिएट ऐप। क्रिएट ऐप क्लिक करने के बाद आपको तीन वो ऑब्जेक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। ये तीन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बोल रहा है कि पहले आपको आपका बिजनेस फेसबुक के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास ये सारे चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे आपका फेसबुक पेज है उसे मैनेज करने के लिए, ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए, इवेंट्स को मैनेज करने के लिए, एड्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, या फिर अदर रिलेटेड टू फेसबुक के जो चीज़ें हैं वो आपको करना है, देन आप ये चूज़ करो। सेकेंड है थर्ड पार्टी गेमिंग ऐप। अगर आपका कोई एप्लीकेशन है, गेम एप्लीकेशन है, जैसे एंड्रॉयड पे कोई आपने गेम बनाया है और वो फेसबुक पे आपको लोगों को खिलवाना है, ठीक है। सो वो आप एक इंस्टेंट गेम्स
या फिर कैनवास गेम्स का ऑप्शन मिलता है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे पोस्ट ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं कि आप गेम खेल के देख लो, एक आप एक स्टेज खेल के देखो, अच्छा लगा देन आप इंस्टॉल करो। तो ये भी एडवर्टीजमेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये अगर बनाना है तो ये थर्ड है फॉर एवरीथिंग एल्स। जैसे आपको फेसबुक का लॉगिन बटन सेटअप करना है, आपके वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट लॉगिन होनी चाहिए विथ फेसबुक क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो और फिर इंस्टेंट गेम एंड ऐप जो यूज़र डेटा एंड फेसबुक का डेटा जो एक्सेस कर पाए वैसा, या फिर जो मैंने आपको बताया कि आप ब्लॉग जैसे ही पब्लिश करते हो ऑन योर वेबसाइट, यहाँ पर भी पब्लिश होना चाहिए। तो इसमें से आप एक चूज़ करोगे कैटेगरी एंड देन आगे जाओगे, ठीक है। तो ये जो फेसबुक लॉगिन वगैरह आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सपोज मैंने वेबसाइट पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डाला और कॉन्टैक्ट फॉर्म पे मैंने बोला कि टू आपको फ्री में डेमो देखना है डिजिटल मार्केटिंग का, तो ये फॉर्म भरो और मैं आपको डेमो लिंक भेज दूंगा, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाओगे डेमो लिंक पे। लेकिन फॉर्म तो कोई भी फेक क्रेडेंशियल्स डाल के भर सकता है ना, लेकिन अगर आप उसे बोलोगे कि हाँ आप लॉग इन करो फेसबुक से एंड वहाँ पर आपको डेमो मिलेगा, या फिर मैं आपको एक चैटबॉट बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। उस चैटबॉट का हम इंटीग्रेशन करेंगे हमारे वेबसाइट के साथ, वहाँ एक बटन डालेंगे गेट अ फ्री डेमो, उस पर जैसे ही क्लिक करेगा वो मैसेंजर पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, मैसेंजर पे कुछ उसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, वो जवाब मुझे मिल जाएंगे एंड देन वो उसे डेमो का लिंक मैसेंजर ऑटोमेटिकली चैटबॉट थ्रू दे देगा। तब मुझे क्या होगा, फेसबुक का उसका एटलीस्ट मेरे पास यूज़र नेम और वो सारा चीज़ आने वाला है, तो मुझे पता चलेगा ये कौन है, ठीक है। तो मैं उसके पीछे लग सकता हूँ, मुझे मैं कस्टम ऑडियंस में डाल के उसे रीमार्केटिंग कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो इसीलिए फेसबुक लॉगिन या गूगल का लॉगिन जो है वो मैटर करता है, ठीक है। स्पेशली फेसबुक का लॉगिन, वो अगर फेक यूज़र फेसबुक पे बना के डालेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन आप जो फेक यूज़र्स हैं, ठीक है, उन्हें मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है, इससे। तो और पूरा डिटेल मिल जाएगा, अगर वो जेन्युइन यूज़र है उसका पूरा डिटेल आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम एक कोई कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैनेज बिजनेस इंटीग्रेशंस, फिर आते हैं क्रिएट ऐप आईडी, ऐप डिस्प्ले नेम। तो ऐप डिस्प्ले नेम हम क्या रखना चाहेंगे वो आपको पूछ रहा है। तो मैं बनाना चाहता हूँ जैसे चैटबॉट जो डेमो लिंक भेजे है ना, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ चैट बॉट मैसेंजर, ठीक है, फॉर डेमो, ओके। इसके बाद ऐप कॉन्टैक्ट ईमेल, तो ये बोल रहा है कि आप ईमेल एड्रेस डालो जो जहाँ पर आप ऐप कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी बिजनेस का डाल देता हूँ, ठीक है। ऐप पर्पस योर सेल्फ और योर ओन बिजनेस, यही चाहिए है ना, तो मेरे लिए या फिर मेरे बिजनेस के लिए। द ऐप प्राइमरी पर्पस इज टू एक्सेस फेसबुक प्लेटफॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ। अब आपका जो डेटा है वो आप ही डालने वाले हो या फिर आप ही चैटबॉट बनाने वाले हो, जो डेटा आपको आएगा वो आप ही देखने वाले हो, तो ये ठीक है। क्लाइंट के लिए, यानी मैं किसी और के लिए ये बनाने वाला हूँ लेकिन मेरे डेवलपर प्लेटफॉर्म से, तो फिर मैं यहाँ पर क्लाइंट सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो जिसका बिजनेस पेज मैनेज करते हो, जिसके लिए आप मैसेंजर बॉट बनाने वाले हो, वो वाला, ठीक है। मैनेज आप करोगे, बिजनेस कोई और है, तो नहीं मैं खुद के लिए करने वाला हूँ। डेटा जो है वो आपको शेयर करना है क्लाइंट के साथ, लीड जनरेट हुआ है वो शेयर करना है क्लाइंट के साथ, वो आप यहाँ पर एक्सेस दे सकते हो। जो मैंने बिजनेस मैनेजर का जब सेटिंग सिखाया था तब आपको दिखाया था, वैसे ही उसे उसमें ऐप का भी एक होता है पार्ट, ऐप एज एसेट आप उसे एक्सेस दे सकते हो। नीचे डू यू हैव अ बिजनेस मैनेजर अकाउंट, यस वी हैव अ बिजनेस मैनेजर अकाउंट, है ना। अगर आपने नहीं बनाया तो उसका आप वीडियो देख लो, बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैसे बनाना है, और बना लो, सारे सेटिंग्स उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं, क्यों लगता है वो भी बताया मैंने आपको। तो यहाँ पर बिजनेस मैनेजर अकाउंट है, क्रिएट ऐप आईडी,
यहाँ पर एक सिक्योरिटी चेक है, मतलब कैप्चा आएगा, कैप्चा को सॉल्व करो। ओके सबमिट, अब आप बना सकते हो एप्लीकेशन। तो ये तो है हमारा फेसबुक फॉर डेवलपर्स का ऐप आईडी बनाना। यहाँ पर बस ऐप आईडी बना है, ठीक है। इन डेवलपमेंट मतलब अभी चालू है, डेवलपमेंट चालू करोगे वो पब्लिश हो जाएगा, तो इसे स्विच बाद में करेंगे बनाने के बाद। ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के बाद ये सेटिंग्स है, रूल्स है, ऐप रिव्यू है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स आप जब ऐड करोगे इसमें से कुछ तब होगा, जैसे हम मैसेंजर के लिए करने वाले हैं, मैसेंजर बॉट बनाने वाले हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। पहले बॉट बनाना भी पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ पर मार्केटिंग एपीआई है, तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। मार्केटिंग एपीआई हमारे काम का है, जैसे ऑटोमेट एड मैनेजमेंट यहीं से कर सकते हो, ठीक है। सीमलेसली क्रिएट मल्टीपल एड टेम्पलेट्स एट वंस टू टेस्ट डिफरेंट क्रिएटिव बिडिंग और टैगिंग स्ट्रेटजीज, लेवरेज डायनामिक क्रिएटिव, क्रिएट डेटा बेस्ड ऑडियंसेस, ऑप्टिमाइज रियल टाइम बिल्ड, ये सारा चीज़ है। यहाँ पर एड मैनेजर के लिए क्या है, बिजनेस मैनेजर के लिए क्या है, वो सारा टूल आपको मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें से पहले हम बनाएंगे जो चैट बॉट है वो वाला चीज़ पहले बनाएंगे, देन हम यहाँ पर आके और भी एक दो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फेसबुक लॉगिन का भी यहाँ पर है, मार्केटिंग एपीआई भी बताऊंगा आपको।